अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। यू ईट गोवर है कुछ पर्सनल। तुम भेड़ो, मुझे लगा तुम भालू हो। चलो ठीक है भैया, तुम मानो या मत मानो, क्यूट तो मैं लगता हूँ। भाई देख, जो लेना ले ले चुपचाप। देखने में दिक्कत होती होगी ना, अभी नाक खाएगी नाक। भैया सैंडल और पर्स ले आए। आइए देखते। देख सकते हो घड़ी पर 10 बज रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। एक्चुअली क्या कि मैं कल अश्वनी को एयरपोर्ट तक छोड़ने गया था, दिल्ली चला गया वो विदेश। दुख तो हो रहा है बट कोई नहीं। हाँ तो जैसे मैं वहां से वापस आ रहा था दिल्ली से आगरा, रास्ता लंबा है काफी, तो मुझे आते आते सुबह के 4 बज गए। पूरी रात गाड़ी चलाई, इसीलिए मुझे घर वालों ने सोने दिया। अश्वनी के बिना ये पूरा कमरा खाली खाली लग रहा है। कमरा छोड़ो, पूरा घर खाली खाली लग रहा है। आज धूप तो बड़ी कड़क खुली है, मगर क्या फायदा इसी धूप का जब अश्वनी ही साथ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं उधर? ओ माय सुंदरता, ये सब मैंने क्या देख लिया? शायद आज सूरज अपनी दिशा को भूल गया, इसीलिए ये कंडे थापने आ गई। इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको भी कंडे थापने चाहिए। द साइलेंट गर्ल अनामिका जी को भी सिखा दो, और यहाँ फिर मेरे पिताजी का आगमन होता है, वो भी बहुत ही टॉप लेवल सिक्योरिटी दरवाजे के द्वारा। मैं कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कंडे थाप के। आप मुझे वोट दें। अभी जरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तू खाती होगी। हमारे यहाँ तो ना कंडे बोलते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। अब गांव में तो ये मोस्टली सभी के यहाँ पे होते हैं, मेन सोर्स ऑफ ईंधन बोल सकते हैं, चूल्हे में जला के खाना पीना बनाने के काम आता है। चलो तुम कंडे थापो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ अपने लिए। मेरे लिए भी बना लेना और सैंडल जूस पर्स भी दिलवा लाना है। मैं बहरा हूं। और यहाँ पर मेरा कंटेंट बनाने मेरी पलटन के 2 सदस्य आ गए, फेज बुद्धि एंड पुनिया। राम राम भाई, राम राम। अरे क्यों आयो यहाँ काम करने? यार वो फिर वॉशिंग मशीन के पास वाइपर रखा है पोछे के साथ। वो वाला काम नहीं, डॉक्यूमेंट वर्क। डॉक्यूमेंट वर्क। ठेस बुद्धि के मुंह से डॉक्यूमेंट सुनकर आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगा कि धरती पलट जाने वाली हो? ऐसा क्या डॉक्यूमेंट वर्क आ गया तुझे? है कुछ पर्सनल। चलो मान लिया होगा कुछ पर्सनल वर्क, मगर हर बात की फ्रस्ट्रेशन पुनिया पर निकालना जरूरी है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मेरी सैलरी कब दोगे? दोस्तों इतनी देर से क्या कर रहा था? सो रहा था। हमारे भैया बहुत मेहनती हैं, सो जाते हैं। वाह इतना तैयार होके क्यों खड़ी है? क्योंकि मैं सैंडल लेने जा रही हूँ, थप्पड़ दे लिया है, कोई बात नहीं। दिला कौन रहा है सैंडल? अमित भैया दर उम्र में बेमन के साथ हमारी अनामिका बहन जी भी आ चुकी है, साइलेंट मोस्ट साइलेंट गर्ल अनामिका बहन जी। इनको भी क्या चाहिए? सैंडल। और चलिए तो अब हमें मजबूरन चलना पड़ेगा। मजबूरन नहीं, राजी बाजी से, मेरी बाजी से। पायल को भी साथ लेके चलना है, उसके घर चलो पहले। बुला भाई जल्दी पायल को। भाई पायल आ रही है अभी, मैं फोन कर रही हूँ। हेलो। हम पायल के इंतजार में उसकी गली के नुक्कड़ पे खड़े हैं। कम पे नहीं तो आए थे गली के मोपे। जल्दी आ, बहुत देर से खड़े हैं, 5-10 मिनट आएगी, 15 मिनट, हाँ आधा घंटा आएगा। जल्दी आ रही, मेरा कॉप है। क्या बात है, आप अभी तक गए नहीं? आपको चिड़िया घर वाले लोग अभी बुला नहीं रहे? नहीं। एक भालू दूसरा भालू। तो मुझे अभी बहुत तेज गर्मी लग रही है। मुझे सबसे ज्यादा लग रही है। तो तू दो पहन के आ गई है, ब्लैक वो भी, और ब्लैक पर ना सूरज की किरणें ज्यादा इफेक्ट करती है, जल्दी पकड़ती है, आधी आधी गर्मी। ये वो वाला सीजन है जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं। बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कौन सा सीजन कहते हैं? हमने बचपन में सीजन सीखे थे, मुझे बस समर और विंटर याद रह गया है। और रेनिंग ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। अब ऑटम और स्प्रिंग में से नहीं पता कि ये कौन सा चल रहा है। कॉटन सीजन चल रहा है। दोस्तों अभी हम गली गली सिमसम करते हुए भटक रहे हैं इन दोनों की साड़ी के अदर वर्ग के चक्कर में। कौन भटकवा रही है? ये लेके लेके जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, इतनी बकवास नहीं सुनते कोई। नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ कहाँ है? ओके ऐसे ऐसे बढ़िया से एक्टिंग कर दो।
ब्लॉग देख के बहुत बढ़िया लगता है स्तर क्या होता है कहाँ पे वाह इतनी जगह ऐसा पूरा एंटीला खड़ा हो जाएगा आई हैव नो आइडिया तुम बंदर हो नहीं मुझे लगा था तुम भालू हो क्या क्या और कैसी इतना झूठ मैं नहीं सुन सकता क्या कह रहे हो भेड़ बकरी होगी था तुम भेड़ हो मुझे लगा तुम भालू हो चलो ठीक है भैया बहुत देर हो गई ठीक है भूखा करिए बहुत तेज तू तो पैदा ही भूखा हुआ था तुम भी तो हुए थे भूखे पैदा है तो सभी भूखे पैदा होते हैं वैसे जो भालू होते हैं वो क्या खाते हैं बर्फ खाओगे तुम बर्फ तो बात ऐसी है कि छोटे मोटे सारे काम पूरे हो गए अब करते हैं मेन काम जो कि है सैंडल लाना तेज बुद्धि को बड़ी आदत है सैंडल लाने की सैंडल लाने की और हाँ अभी साड़ी भी लेकर आनी है साड़ी खरीद तो ली है लेकिन दुकान पर उसको छोटे मोटे कार्य के लिए रुक गई थी अब उसको उठा के लाते हैं आज की बोली थी तो पहले चलते हैं साड़ी लेने की सैंडल लेने साड़ी लेने पहले सैंडल ले लो फिर चलते हैं साड़ी लेने लास्ट में तो ये मैं अभी जूते सैंडल की दुनिया में आ गया हूँ तेज बुद्धि आप यहाँ से खा सकते हो मतलब ले सकते हो भाई चलो बाहर निकलो तुम्हारे मतलब की दुनिया में आ चुका हूँ मैं यहाँ लड़कियों की जूतियाँ चप्पल सैंडल्स का पूरा भंडार है मगर फिर भी यहाँ से कोई पसंद आ जाए वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी तेज बुद्धि इसको तो अपने गले में लटका सकते हैं नजर नहीं लगेगी ऐसी जगहों पर हमारा क्या काम आज भी स्क्रब करके आया हूँ चमक रहा हूँ आपको यकीन नहीं होगा हमें यहाँ पर एक घंटे से ज्यादा हो गया मगर इनके सैंडल्स की खोज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई ये लो साइलेंट गर्ल नामिका जी आपके लिए सही है अभी तो यहाँ झुमके खरीदने में 4-5 दिन लगा देंगी तू ले ले भाई झुमके तेरे कानों तो जगह भी है इसमें नहीं है पर एक दिन मैं भी झुमके लूंगा वजह मिलने पर भाई देख जो लेना ले ले चुपचाप पैसे दे दो तो ठीक है पैसे देगा क्योंकि पैसे तो मैं ही दे पाऊंगा देखने में दिक्कत होती होगी ना अभी जब तू चला साड़ी उठा ला मिल गई साड़ी मजे आ गए खुश है जा बैठ जाओ तो फाइनली एक एक करके सारे काम कंप्लीट हो गए इनको मैंने जूतियां दिला दी साड़ी मिल गई मतलब खरीद पहले ली थी लेकिन इस पर छोटे छोटे जो काम रहता है वो कंप्लीट होके मिल गई और अब खाने का रह गया ये मेरा बस्ता है ये मेरा है बोलने लगे तुम तीनों से मैं एक एक चीज पूछूंगा क्या क्या खाना चाहोगे तू रहन दे तुम तो बोलते ही नहीं भेजा प्याज जो भी कुछ आएगा मैं खा लूंगी नाखून खाओगे मेरी तो पता ही है मैं कुछ भी खा लेती हूँ नाक खाएगी नाक खाली है डोसा मेरा है एक डोसा तुम्हारा है ना एक डोसा ये लो आपका प्लेट छोले भटूरे इस बेवकूफ की कार्टून वाली स्नैप है इधर देखो स्नैप बनी है इधर देखो सभी स्नैप बनी स्नैप स्नैप तेज स्नैप स्नैप बनी है सीधा सही में स्नैप बनी हमको तो जो खाना था खा लिया लेकिन अभी मुझे पिताजी का फोन आया था कि उन्हें मोमोज चाहिए उन्हें मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आने लग गए तो उनके लिए मोमोज लेके चलता हूँ ठेस बुद्धि लेने गया मैं तो गाड़ी बैठा हूँ काय की आदत मुझे सब चीज की आदत है पढ़ाई करने की यही दिल पर ठेस लग गई मेरे पढ़ाई का नाम सुन के ओए पार्टी वार्टी बंद करो पढ़ाई लगाई शुरू करो ठीक है कल से मैं पढ़ूंगी बाय बाय लग गई तो फाइनली हम घर पे आ गए हैं और इन दोनों की डिमांड भी कंप्लीट मैंने कर दी है मैं बहुत ही अच्छा हूँ अपने वादे पर मुकल रहा मैं अपने वादा अनुसार मैंने सारे काम कर दिए ठीक है अब मेरे वादे और सरकार के वादों में अंतर नहीं रहा ठीक है मुझे नींद आ रही है मुझे सोने जाना है जा। वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से 2 मिलियन करा दो जिसकी वजह से मैं ट्रिप पे जा सकूं और जल्दी से मेरे पेपर भी खत्म करवा दूं